मूवी की स्टार्टिंग में हम एक एक्ट्रेस को देखते हैं जिसका नाम सोफी वाइल्डर था। वो एक टीवी की एक्ट्रेस थी। वो एक लीड एक्ट्रेस का काम करती थी और इस टीवी शो का नाम सुपर सोसाइटी था। इसमें सोफी फायर फिना का कैरेक्टर प्ले करती थी। हम एक इंटरव्यू देखते हैं, इसमें सोफी और उसके को एक्टर्स भी थे। इंटरव्यू में उन दोनों का इंट्रोडक्शन देते हुए कहा जाता है कि आज हमारे साथ सुपर सोसाइटी के एक्टर एडम क्लार्क और उनकी गर्लफ्रेंड एक्ट्रेस सोफी है। इंटरव्यूअर कहते हैं कि एडम क्लार्क एक बहुत ही अच्छे इंसान है। वो कह रहे थे कि एडम सोफी को बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने एडम क्लार्क से उनकी और सोफी की रिलेशनशिप के बारे में बात की। वो कहते हैं कि आपकी बहुत सारी रिलेशनशिप रह चुकी है, बहुत सारी लड़कियों को आपने डेट किया है, मगर लगता है कि शायद ये आखिरी बार आपकी रिलेशनशिप हो, शायद इस बार चीजें सीरियस है। इसके जवाब में एडम क्लार्क सोफी को आई लव यू कहता है और सोफी भी आई लव यू टू कहकर इसे पूरा करती है। सब लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सुपर सोसाइटी शो का सेट देखते हैं। ये लॉस एंजलिस में था। सोफी वहां पर अपने को स्टाफ के साथ रिहर्सल कर रही थी। किसी काम की वजह से वो वैन में जाती है। वहां पर उसने देखा कि एडम क्लार्क किसी और लड़की को किस कर रहा था। उसे देखकर वो सरप्राइज्ड हो जाती है। वो सफाई देते हुए कहता है कि मैं अपना कैरेक्टर निभा रहा था, मेरे और उस लड़की के बीच में कुछ भी नहीं है। सोफी समझ चुकी थी कि उस पर चीट कर रहा है और उसे इस सब बातों से बहुत बुरा लगता है। सोफी वहां से बाहर आ जाती है। उसके असिस्टेंट उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, पर सोफी वहां पर उल्टी कर देती है। बाद में हमें एक फोन रिंग होता देखते हैं। ये मार्गोट का था जो सोफी और एडम क्लार्क दोनों की एजेंट थी। सोफी ने जिस लड़की को देखा था इसके बारे में वो पूछ रही थी। पूछती है कि वो कैसी दिख रही थी, वो दोनों कर क्या रहे थे। बाद में सोफी को क्रिस का भी फोन आता है। ये सोफी का मैनेजर था। वो मार्गोट से सोफी के बारे में पूछ रहा था। मार्गोट कहती है कि वो काफी परेशान है। क्रिस बहुत ही परेशान था कि सारी बातें उस स्टूडियो को कैसे बताए। मार्गोट इस बात का सोल्यूशन निकालती है, कहती है कि हमें ये सब बातें किसी को बतानी नहीं चाहिए जब तक कि शो खत्म नहीं हो जाता, इससे बहुत बैड पब्लिसिटी हो सकती है। बाद में क्रिस सोफी के बारे में डिस्कस कर रहा था। वहां पर रेचल भी थी। रेचल सोफी की बेस्ट फ्रेंड है। अब तक उसे जॉब नहीं मिली है तो सोफी के वो साथ ही है। नेक्स्ट सीन में मार्गोट को एडम क्लार्क का कॉल आता है। उसे कह रहा था कि वो कितना बेवकूफ फील कर रहा है। ये जब उसने सब किया था तो अपने पूरे होश में था। वो रियलाइज कर रहा था कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए था, इस वजह से उसका करियर दांव पे लग सकता है। मार्गोट से कहते हैं कि तुम अपने आप को माफ कर दो, यही ठीक रहेगा, और अपने शो पर फोकस करो। दूसरी तरफ सोफी अपने शो के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। बहुत मेहनत करने के बाद वो खुश थी कि उसका काम अभी के लिए अब खत्म हो चुका है। नेक्स्ट सीन में हम हमारे और एक मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम था अलेक्जेंड्रो। वो अपने हाथों से बहुत ही अच्छा खाना बना रहा था। वहां पर एक ब्लॉगर आती है, उसके खाने के बारे में पूछती है, इसका फोटो लेती है और उसके बहुत तारीफ करती है। वो उसे अपना इंट्रोडक्शन भी देती है। अलेक्जेंड्रो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास एक कैमरा भी है। दोनों आपस में बात कर रहे थे तभी उसे ब्रेकफास्ट के लिए थैंक यू कहकर चली जाती है। अलेक्जेंड्रो फिर वहां से निकलकर अपनी कार के पास आ जाता है। वह उसका फ्रेंड उसे चिढ़ा रहा था कि तुमने उस लड़की के लिए इतना अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया और वो लड़की सिर्फ तुम्हें थैंक यू कहकर चली गई। फ्रेंड कहता है कि वो लड़की सिर्फ एक हफ्ते के लिए यहाँ पर रुकी हुई थी। उसे एडवाइस कर रहा था कि तुम्हें अपने लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहिए, वो पार्टनर एक अच्छी इंसान हो। अलेक्जेंड्रो कहता है कि उस लड़की के लास्ट 24 आवर्स थे, उसके साथ मैंने जो टाइम बीता है ये बिना किसी एक्सपेक्टेशन के था, ये मैंने किसी फायदे के लिए नहीं किया था। अलग अलग टूरिस्ट के साथ टाइम स्पेंड करना है अलेक्जेंड्रो को बहुत अच्छा लगता है। उनके साथ फ्रेंडशिप करना, बातें करना, ये हमेशा वो किया करता था। दूसरी तरफ हम सोफी और उसके फ्रेंड रेचल को कार में देखते हैं। सोफी अपने ड्रीम के बारे में बात कर रही थी। वहां पर एडम क्लार्क पीछे की सीट पर बैठा हुआ था। क्रिस कार ड्राइव कर रहा था। इसके बाद वो लोग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां पर चेक इन करते हैं। लोकेशन पर अलेक्जेंड्रो अपने मैनेजर से बात कर रहा था, कहता है कि सब कुछ प्रिपरेशन हो चुका है। अलेक्जेंड्रो के नीचे एक आदमी काम करने वाला था तो अलेक्जेंड्रो मैनेजर से कहता है कि उसने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है। मैनेजर कहती है कि मैंने उस आदमी को निकाल दिया है क्योंकि वो किसी गेस्ट के साथ इंटीमेट हुआ था। इस पर वो बहुत ही गुस्सा थी। मैनेजर फिर अलेक्जेंड्रो को खुद लोगों का ख्याल रखने के लिए कहती है। अलेक्जेंड्रो कहता है कि मैं ऑलरेडी ये सब चीजें कर चुका हूँ, उसका प्रमोशन हो गया था, अब वो फिर से ये सब चीजें नहीं करना चाहता था। मैनेजर उसे फोर्स करती है और अब उसे करना ही पड़ेगा। वो कहती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इस होटल को हमें साथ में मिलकर संभालना है, क्या तुम नहीं चाहते कि मुझे भी प्रमोशन मिल जाए। दोनों थोड़ा सा झगड़ने लग गए थे पर फिर भी उसे अपने मैनेजर की बात माननी पड़ती है। सिर्फ अलेक्जेंड्रो फिर जिस गेस्ट का उसे ख्याल रखना था उस कमरे में जाता है। उसने रियलाइज किया कि वहां पर टॉवेल नहीं है। वो फिर टॉवेल लेने के लिए चला जाता है। रेचल और सोफी फिर उसी कमरे में आते हैं। दोनों को वैकेशन पर बहुत अच्छा लगता है। सोफी नहाने के लिए जाने की बात करती है। रेचल को उसने हग किया और कहा कि हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।
रेचल फिर उसके लिए ड्रिंक लेने के लिए चली गई। सोफी फिर नहाने के लिए चली जाती है। सोफी को मिरर में अपनी कैरेक्टर फायर फिना दिखाई देती है। कैरेक्टर सोफी के बारे में तारीफ कर रही थी कि किस तरीके से वो अमेजिंग है। बाद में वो बाहर आ रही थी तभी सोफी और शेफ अलेक्जेंड्रो दोनों टकरा जाते हैं। इस बात से सोफी गुस्सा हो जाती है। सोफी गुस्सा हो जाती है कि अलेक्जेंड्रो ने उसे बिना कपड़ों के देख लिया। पूछती है कि तुम हो कौन। उसे लग रहा था कि अलेक्जेंड्रो उसे पिक्चर लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ है और उससे वो माफी मांगता है। वो खुद को एज अ जूनियर मैनेजर इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है कि अपने गेस्ट को ये फैसिलिटी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करे, ये मेरा काम है। सोफी कहती है कि तुम एक बहुत ही बुरे मैनेजर हो। सोफी ने कहा कि क्या तुम्हें शॉवर की आवाज नहीं आई कि बिना नॉक किए तुम अंदर आ गए। अलेक्जेंड्रो माफी मांगता है और कहता है कि दोबारा से ऐसा कभी भी नहीं होगा। सोफी टॉवल लिपट कर बाहर आके वहां पर रेचल भी आ जाती है। शेफ अलेक्जेंड्रो वहां से निकल जाता है और कहता है कि किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। बाद में हम देखते हैं शेफ अलेक्जेंड्रो अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था। वहां पर एक लेडी आती है और उसे थैंक यू कहती है क्योंकि टॉवल पहुंचाने का काम उस लेडी का था और अलेक्जेंड्रो ने कर दिया था। वो कह रही थी कि यहाँ पर एडम क्लार्क भी रुका है जो बहुत हैंडसम है, उसकी हाइट भी बहुत अच्छी है। वो बहुत एक्साइटेड थी कि किस तरीके से उसने उसे टच किया। अलेक्जेंड्रो का फ्रेंड टाची उस लड़की को कहता है कि वो सिर्फ तुम्हें टिप दे रहा था। इसके बाद आज सुबह जो हुआ था ये अलेक्जेंड्रो अपने फ्रेंड को बताता है। बाद में हम रेचल और सोफी को देखते हैं। सोफी रेचल से कहती है क्या आज सुबह मैं अलेक्जेंड्रो के साथ ज्यादा ही रूड हो गई थी। बाद में वहां पर क्रिस आता है। एडम क्लार्क और रेचल के साथ जो भी हुआ था ये सारी चीज को वायरल करने की बात हो रही थी। क्रिस ऐसा करने के लिए मना कर देता है। वो कह रहा था कि नई स्क्रिप्ट के लिए हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, बाकी बातों को हमें छोड़ देना चाहिए। क्रिस बताता है कि न्यूयॉर्क से तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर आया है। बाद में मार्गोट का कॉल आता है और उसे कह रही थी कि अभी तुम्हें अपने ब्रेकअप के बारे में कोई भी पोस्ट नहीं करनी चाहिए। जब तक शूटिंग वगैरह खत्म नहीं हो जाती तब तक हमें कुछ नहीं करना चाहिए। सोफी कहती है क्या इस इंडस्ट्री में वुमन के लिए कोई वैल्यूज नहीं है। ये सब उसे एक ट्रैप की तरह लग रहा था। मार्गोट उसे याद दिलाती है कि लड़कियों के लिए इंडस्ट्री कितनी रूथलेस है। वो नहीं चाहती थी कि सोफी ने आज तक जो भी काम किया था ये सारी चीजें मिट्टी में मिल जाए। वो कहती है कि तुम्हें अपनी जर्नी पर फोकस करना चाहिए, इन सब चीजों को छोड़ देना चाहिए। सोफी को अब भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मार्गोट कहती है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम डायरेक्टली शूटिंग देखते हैं। वहां पर सोफी किसी चट्टान पर लेटी हुई थी। एडम क्लार्क उसके पास होता है। डायरेक्ट लाइट कैमरा और एक्शन कहकर उन्हें एक्ट करने के लिए कहा जाता है। एडम अपना हीरो का मास्क निकालकर सोफी को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। सोफी यहाँ पर एक्टिंग ठीक से कर नहीं पा रही थी। इस सीन को कट कर दिया जाता है। फिर से जब ये सीन होता है तो सोफी अपनी एक्टिंग बहुत ही अच्छी तरीके से करती है। डायरेक्टर इस बात से खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोफी को होटल में आने के लिए बहुत देर हो गई थी। उसे बहुत भूख लगी थी और तभी वहां से अलेक्जेंड्रो गुजरता है। उसे वो कैसी है इसके बारे में पूछ रहा था तो सोफी उसे रात का मेनू के बारे में पूछती है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसने काफी ड्रिंक किया था। वो सोफी को तंग करने लगता है। अलेक्जेंड्रो उस आदमी को अपने रूम में जाने के लिए कहता है। सोफी को वहां पर बुली होने से वो बचा लेता है। वो उसे मेनू कार्ड देता है। सोफी उसे डिशेज के बारे में पूछती है पर वो कहता है कि किचन अब बंद हो चुका है। सोफी को लग रहा था कि मॉर्निंग तक अब उसे भूखा रहना पड़ेगा। वो फिर अलेक्जेंड्रो के पास चली जाती है। अलेक्जेंड्रो फिर उसे सैंडविच बनाकर देता है। सोफी उससे कहती है कि क्या तुम हमेशा यहाँ पर खाना बनाते हो। अलेक्जेंड्रो कहता है कि मेरा जन्म इस होटल में हुआ था, यहाँ पर उसने सारे काम किए। अब यहाँ से बाहर निकलकर वो अपना खुद का रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता है। वो अपने गेस्ट का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखना चाहता है। वो फिर सोफी के लिए और एक डिश लेकर आता है। सोफी को डिश बहुत अच्छी लगती है। सोफी फिर उसे गुड नाइट कहकर अपने रूम में चली जाती है। अलेक्जेंड्रो कभी सोशल सोसाइटी का शो नहीं देखता था पर अब सोफी की वजह से इसे वो देखना स्टार्ट कर देता है। उसे सोफी की एक्टिंग स्किल बहुत पसंद आती है। नेक्स्ट डे टॉवेस लेकर अलेक्जेंड्रो सोफी के रूम के बाहर पहुंचाता है। वहां पर रेचल उसे वेलकम करती है। वहां पर एडम क्लार्क अपने बुरे बर्ताव के लिए सोफी से माफी मांग रहा था। आगे हम सोफी और अलेक्जेंड्रो को एक ब्रिज पर देखते हैं। सोफी इस जगह की तारीफ करती है। अलेक्जेंड्रो को कहती है कि मुझे इस जगह की टूर चाहिए। इस टूर की बात वो उसे प्राइवेट रखने के लिए कहती है। अलेक्जेंड्रो उसे बहुत सारी चॉइसेस देता है कि वो क्या क्या कर सकते हैं। सोफी को डांसिंग के लिए जाना था। इसके लिए फिर अलेक्जेंड्रो हाँ कहता है। वो दोनों फिर अगले दिन लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां पर वो काफी नर्वस दिख रहे थे। एक रेस्टोरेंट में वो ड्रिंक करते हैं। अलेक्जेंड्रो फिर उसे डांस के लिए बुलाता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा डांस करते हैं। बाद में सोफी सब चीजों के लिए उसे थैंक यू कहती है। वो दोनों फिर बहुत करीब आ गए थे। सोफी अलेक्जेंड्रो को किस कर लेती है और फिर अपने रूम में चली जाती है। रेचल सोफी से बात कर रही थी कि एडम क्लार्क को इस बात के बारे में पता चल जाएगा। सोफी को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। बाद में एक लोकेशन पर एडम क्लार्क फिर से सोफी को बात करने के लिए बुलाता है। उसे अपनी रिलेशनशिप को फिर से कंटिन्यू करना था।
सोफी उसे कहती है, कुछ टाइम के लिए मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम सोफी और अलेक्जेंड्रो को स्विमिंग पूल के पास स्विम करता हुआ देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। अलेक्जेंड्रो भी सोफी को एक्टिंग की प्रैक्टिस करने के लिए हेल्प करता है। बाद में दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं, वहां पर एक दूसरे को किस करते हैं। अलेक्जेंड्रो को तभी वहां पर कॉल आ गया और उसे जाना पड़ता है। नेक्स्ट डे अलेक्जेंड्रो और सोफी कार में छुट्टियां बिताने के लिए निकल रहे थे। सोफी को पता चलता है कि जिस जगह पर वो जा रहे थे वहां पर सेल फोन नेटवर्क नहीं आ रहा था। उसे अच्छा लगता है कि अब उन्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। दोनों मिलकर एक खूबसूरत टेंट लगाते हैं। बाद में हम देखते हैं कि रेचल को मार्केट का कॉल आता है। सोफी के लिए एक नया प्रोजेक्ट उन्हें डिस्कस करना था। रेचल सोफी को कनेक्ट करने का ट्राई करती है पर सोफी का कॉल नहीं लगता, तो उसे एक मैसेज छोड़ देती है। पैरेलल में अलेक्जेंड्रो और सोफी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। एक दूसरे के प्रेजेंट और फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करते हैं। दूसरी तरफ क्रिस होटल पर पहुंच जाता है। रेचल को सोफी के बारे में पूछ रहा था। उसे पता चलता है कि 10 घंटों से सोफी का कुछ भी पता नहीं है। वो फिर होटल की मैनेजर को पुलिस को बुलाने के लिए कहता है। हर जगह पर सब लोग उसे ढूंढने लग गए थे। पैरेलल में सोफी और अलेक्जेंड्रो नाइट में बीच पर कैंपिंग फायर के पास बैठे हुए थे। सोफी कहती है कि मेरे कैरेक्टर को लेकर मैं बहुत खुश हूँ, पर इस कैरेक्टर को मैं सही से समझ नहीं पाती। मॉर्निंग में सोफी जरा परेशान लग रही थी क्योंकि उसे याद आता कि होटल पर सब लोग उसे ढूंढ रहे होंगे। होटल के लिए वो तुरंत निकल जाता है। रेंज में आने के बाद सोफी को रेचल और सब लोगों के छोड़े हुए मैसेज मिलते हैं। इन मैसेजेस की वजह से वो बहुत ही परेशान हो गई थी। सभी चीजों के लिए अलेक्जेंड्रो को ही ब्लेम करती है। इस बात की वजह से उन दोनों में झगड़ा हो गया था। होटल पर पहुंचने के बाद क्रिस उस पर बहुत गुस्सा था। कहता है कि तुम्हें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला था पर तुम कनेक्ट नहीं हो पाए और इसी वजह से मिल नहीं पाया। वो कहता है कि अब तुम जो शो कर रही हो इसी को अच्छी तरीके से कंप्लीट करने के लिए तुम्हें फोकस करना चाहिए। आगे शेफ अलेक्जेंड्रो और ताची सोफी को कॉन्टेक्ट करने के बारे में बात कर रहे थे। सोफी और वो फिर बीच पर मिलते हैं। सोफी ने उसके साथ जो बुरा बर्ताव किया था इसके लिए सॉरी कहती है। अलेक्जेंड्रो कहता है कि वैकेशन पर मेरी फैमिली के साथ मैं मैक्सिको जा रहा हूँ। सोफी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। वो दोनों फिर मैक्सिको चले जाते हैं। एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। मैक्सिको में अलेक्जेंड्रो की फैमिली उन्हें देखकर बहुत खुश थी। उनकी फैमिली फ्रेंच बोल रहे थे और सोफी को ज्यादा कुछ भी समझ में नहीं आती। वहाँ पर अलेक्जेंड्रो के डैड अपनी दूसरी शादी कर रहे थे। उन्हें पता चलता है कि सोफी एक एक्ट्रेस है और वो बहुत ही एक्साइटेड थे। सोफी वॉशरूम जाती है। वहाँ पर रेचल के साथ कॉल पर बात कर रही थी। रेचल उसे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए कहती है। बाहर अलेक्जेंड्रो और उसकी फैमिली के बीच में बात चल रही थी। उसकी फैमिली सोफी के बारे में पूछ रही थी तो कहता है कि सोफी सिर्फ एक टूरिस्ट है, उनके बीच में कुछ भी नहीं चल रहा। सोफी उसी मोमेंट पर वहां पर आ जाती है। इस बात के बारे में अलेक्जेंड्रो से पूछ रही थी। अलेक्जेंड्रो कहता है कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था और इस बात को टाल देता है। इस बात से सोफी का मूड बहुत खराब हो गया था। वो खुद को बेवकूफ समझ रही थी कि उसके लिए वो क्या क्या कर रही थी। अलेक्जेंड्रो से कहता है कि तुमने अपने आप को इनवाइट किया था, मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाया था। सोफी गुस्से में अलेक्जेंड्रो को कहती है, तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो, लड़कियों के साथ ऐसा ही करते हो। अलेक्जेंड्रो कहता है कि मैं आगे की कुछ भी सोच नहीं रहा था, मैं सिर्फ अपने करियर पर ही फोकस्ड हूँ। सोफी बहुत दुखी हो जाती है। पैरेलल में मैनेजर को अलेक्जेंड्रो के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। वो बहुत गुस्सा थी। सोशल मीडिया पर एडम क्लार्क और सोफी के ब्रेकअप के बारे में काफी चीजें वायरल हो रही थी। अलेक्जेंड्रो रियलाइज करता है उसने सोफी को सही से ट्रीट नहीं किया। उसके शूटिंग की सेट पर वो पहुंच जाता है। वो रेचल से सोफी को मनाने के लिए हेल्प मांगता है। वो सोफी को ढूंढ रहा था तो डायरेक्टली एडम क्लार्क के वैन में आ गया। एडम क्लार्क पूछता है कि क्या तुम सोफी को ढूंढ रहे हो, क्या तुम उससे सच में प्यार करते हो। अलेक्जेंड्रो इसके लिए हाँ कहता है। बाद में वो एडम क्लार्क का ही कॉस्ट्यूम पहनकर सेट पर आ गया ताकि उसे कोई भी रोके ना। वो फिर सेट पर सोफी से माफी मांगता है। तो उसे कितना प्यार करता है इसके बारे में उसने उसे कहा। उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अपनी गलती के लिए सॉरी कहता है। उसने सब लोगों से डिस्टर्बेंस के लिए माफी भी मांगी। सोफी फिर वहां से निकल जाती है और रात में एक पार्टी में आती है। अलेक्जेंड्रो बहुत दुखी था। पार्टी में सोफी को एक छोटी सी फैन मिली, उसके साथ सेल्फी लेती है। वो कहती है कि बड़ी होकर मैं आपकी तरह ही बनना चाहती हूँ। सोफी कहती है कि तुम फायर फिना बन सकती हो। फैन उसे कहती है कि मैं फायर फिना नहीं बनना चाहती, मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ। इसके बाद वो होटल पर पहुंचती है। वहां पर वो देखती है कि अलेक्जेंड्रो अपना सब सामान लेकर वहां से जा रहा था। उसके पास जाकर उसे रात के मेनू के लिए पूछती है। वो दोनों बात करने लग गए। बातों बातों में करीब आ जाते हैं। एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं और किस कर लेते हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन देने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।